अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपने एक लफ्ज नासा जरूर सुना होगा। टेक्नोलॉजी और खलाई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जिसे अमेरिका रन करता है, इसकी एक ऐसी गलती जिसने बहुत से लोगों की जानें ले ली और इसे $3.1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान से एक रात पहले ही एक इंजीनियर ने अपनी वाइफ को बताया कि नासा को इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। इस स्पेस शटल के तबाह होने के बाद नासा की कारकर्दगी पर उंगलियां उठने लग गईं। इससे सवाल पैदा होने लग गया कि क्या नासा से बड़ी भी कंपनी आ गई है जिसने इसके स्पेस शटल को भी तबाह कर दिया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तबाही से करीब 5 साल पहले अप्रैल 1981 को अमेरिका अपनी खलाई कंपनी नासा के जरिए अपना पहला स्पेस शटल मिशन लॉन्च करता है। ये मिशन कामयाबी से लॉन्च होता है। लॉन्चिंग के दौरान इसके साथ एक ऑर्बिटर जिसमें क्रू मेंबर और पेलोड्स होते हैं और एक एक्सटर्नल टैंक और इसके अलावा 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर होते हैं। ऊपर जाते हुए एक्सटर्नल टैंक ऑर्बिटर से अलग हो जाता है और इसके टुकड़े इंडियन ओशन या पैसिफिक ओशन में जाके गिरते हैं। 1981 को जाने वाला स्पेस शटल कामयाब हो जाता है। अब बारी आती है STS-51L स्पेस शटल फ्लाइट 25 की। इसके क्रू मेंबर के बारे में 27 जनवरी 1985 को अनाउंस किया जाता है। इसमें 2 पायलट डिक कॉबी और माइकल स्मिथ और मिशन स्पेशलिस्ट एलिसन जॉडित और मैकनर हैं, जबकि पेलोड स्पेशलिस्ट गैगरी और जेवरिस जिनको हगेज एयरक्राफ्ट कंपनी ने कंडक्ट किया था और इसके अलावा एक टीचर थी जो कि चार्लिस मैकॉलिफ थी। चैलेंजर के अमले का प्राइमरी मिशन ट्रैकिंग एंड डाटा रिले सैटेलाइट को DDRS के नाम से डिप्लॉय करने के लिए नशियर अपर स्टेज का यूज़ करना था जो खलाई जहाज़ों के चक्रों के दौरान रबते में रखता है। मिशन का काम सूर्य के पास से गुजरने वाली हेलेस कॉमिक का भी मुतालिया करना था और इसके अलावा स्पार्टन सैटेलाइट को डिप्लॉय करना और इसकी बाजियाफ्त करना भी था। असल में ये मिशन जुलाई 1985 को लॉन्च होना था लेकिन नवंबर तक डिले कर दिया गया, लेकिन इसे आखिरकार 22 जनवरी 1986 को लॉन्च करना था लेकिन टेम्परेचर की वजह से इसे 28 जनवरी 1986 को लॉन्च किया गया। मिशन से एक रात पहले 4 इंजीनियर जिनमें एक बॉब एबलिंग भी था मिशन के मैनेजर के पास आते हैं और उसे रोकते हैं कि इसको लिफ्ट ऑफ ना किया जाए। इसकी एक वजह वो बता रहे थे ओ-रिंग्स जो कि टेम्परेचर की वजह से बंद हो जाते हैं, जबकि मैनेजर इनकी कोई भी नहीं सुनता और वो बताता है कि हम पर पॉलिटिकल दबाव है तो हमने इस मिशन को लॉन्च करना है। आखिरकार वो दिन जनवरी 28, 1986 आ ही जाता है जिस दिन इस मिशन को लॉन्च होना था। कैनेडी स्पेस स्टेशन फ्लोराइडा से इस मिशन को तैयार किया जाता है। मिलियंस ऑफ लोग अमेरिका में इसे देख रहे होते हैं। CNN और दूसरे चैनल इसकी लाइव कवरेज कर रहे होते हैं। हज़ारों स्टूडेंट्स इस कवरेज को देख रहे होते हैं। इसकी एक अहम वजह टीचर मैकॉलिफ थी क्योंकि ये पहली सिविलियन थी जो मिशन पर जा रही थी। जैसे ही नासा ने बताया कि हम एक टीचर भी ले जाएंगे तो 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन मसूल हुई, लेकिन उन सब में से टीचर मैकॉलिफ को इसके लिए चुना जाता है। सुबह के 9:38 पर स्पेस शटल लिफ्ट ऑफ होना था लेकिन टेम्परेचर में कमी की वजह से इसे 11:38 पर लिफ्ट ऑफ किया जाता है। जैसे ही 11:38 होते हैं स्पेक्टेटर की काउंटडाउन की आवाज़ आती है और ये स्पेस शटल उड़ान भरता है। सब लोग खुशी से इसे देख रहे होते हैं। 73 सेकंड में जब ये स्पेस शटल 14,000 मीटर की बुलंदी पर जाता है तो अचानक से एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ये स्पेस शटल तबाह हो जाता है और इसका मलबा अटलांटिक ओशन में जा गिरता है। हर कोई हैरान होकर इसे देख रहा होता है। ये डिज़ास्टर बहुत से स्कूल्स और USA में लाइव देखा जा रहा था। इस डिज़ास्टर के फौरन बाद नासा 2 शिप्स उतारता है ताकि मलबे को रिकवर किया जाए और इसके साथ USA की आर्मी भी होती है जो कि अपने एयरक्राफ्ट और शिप्स भेजती है। मलबा बहुत दूर दूर तक बिखरा पड़ा था, इसके लिए समंदर में टेक्निकल डाइवर को उतारा जाता है। इस मलबे को इकट्ठा करने की भरपूर कोशिश की जाती है। उस वक्त के प्रेसिडेंट रेगन रोनाल्ड एक कमीशन बनाते हैं जिसे रॉजर्स कमीशन का नाम दिया जाता है।
जिस दिन ये डिजास्टर हुआ उस दिन शाम को प्रेसिडेंट ने स्टेट ऑफ यूनियन पर लोगों को एड्रेस करना था, जिसमें एक अहम मुद्दा स्पेस शटल भी था, लेकिन वो इस डिजास्टर की वजह से स्टेट ऑफ यूनियन को पोस्टपोन कर देते हैं और स्पेस शटल के डिजास्टर के बारे में कॉम को एड्रेस करते हैं। कुछ दिनों बाद कमीशन बताता है कि चैलेंजर की हादसे की अहम वजह सॉलिड रॉकेट बूस्टर पर एफिट फील्ड को ज्वाइंट करने वाले ओ रिंग्स में नाकामी थी, जिसकी वजह से दबाव वाली गैस पैदा होती है। आखिरकार ओ रिंग्स से शोला उड़ गया और इसके अलावा एक्सटर्नल टैंक और कंस्ट्रक्शन इसकी नाकामी का बेस है। असल में ये जो ओ रिंग्स होते हैं ये गर्म गैसेस को निकलने देते हैं, लेकिन इस टेम्परेचर की वजह से जो कि बहुत कम था ये ओ रिंग सील हो गए थे। कमीशन बताता है कि एक्सीडेंट वाली रात मॉर्टन थाइकोल का प्रेसिडेंट मीटिंग करता है, जिसमें इंजीनियर उस दिन के टेम्परेचर के बारे में अपने कंसर्न बताते हैं, लेकिन नासा का मैनेजर उन्हें 30 मिनट का वक्त देता है और आखिरकार उन्हें मिशन को लॉन्च करने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए ये मिशन नासा और मॉर्टन थाइकोल को जिम्मेदार करार देता है। और इसके बाद समंदर में से 7 मार्च को एक कैबिन मिलता है, जिस कैबिन से उन लोगों की डेड बॉडीज को निकाला जाता है और फिर इस तरह बहुत सारा और मलबा भी मिलता है, और इसमें एक फुटबॉल थी जो कि एलिसन को उसकी बेटी ने दी थी। 1988 में मॉर्टन थाइकोल और फेडरल गवर्नमेंट $7.7 million मरने वालों में से 4 लोगों की फैमिली को देने पर एग्री होती है, जिसमें से 60% मॉर्टन थाइकोल और 40% गवर्नमेंट पे करती है। एक इंजीनियर बॉब एबलिंग ने 2016 में करीब 30 साल बाद बताया कि हादसे से एक रात पहले मैंने अपनी वाइफ को इसके बारे में बता दिया था, और जब ये स्पेस शटल लॉन्च हो रहा था तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि ये स्पेस शटल अभी फट जाएगा और 7 के 7 लोग मर जाएंगे। और 2016 में बॉब एबलिंग खुद को इसका जिम्मेदार ठहराता है। इस डिजास्टर के बाद नासा अगला स्पेस शटल 1988 को भेजता है, और उसके बाद से अब तक नासा 110 स्पेस शटल भेज चुका है। उस डिजास्टर के बाद बच जाने वाली वो फुटबॉल 2017 में एक एस्ट्रोनॉट ने जब पिक भेजी तो उसे देखा गया। वो फुटबॉल उस वक्त तो ना जा सकी, लेकिन अब उसे खला में देखा गया है।